वेरी गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की कंप्यूटर की कक्षा में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की बात करें या आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की। हम लोग कहीं भी जब भी हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंप्यूटर को। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से हम सॉल्व करें नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम कन्वर्जन मैंने पढ़ाया था। मैं जानना चाहूँगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो पिछली बार वाली ट्रिक्स सीख पाए हैं या सीख गए हैं, अभी उनके इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या क्या आप चाहते हैं एक बार और इस ट्रिक को समझना, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, देखता हूं आप लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं, आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। राइट, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। करना बहुत आसान सा काम है, और वो ये है कि ये जो नंबर आपको दे रखा है, इस ये है डेसिमल में, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। प्लीज़ एक बार फिर से एक सवाल लेकर आ गया हूं आपके सामने, तो करके देखा है ये फटाफट से कितने लोग कर पाते हैं। यस, अर्जुन कुमार बोल रहे हैं आई एम लर्न सर, वेरी गुड। जीत साहा बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास है सर। कोई बात नहीं सर, पिछली बार ज़रूर देखिएगा पिछली क्लास को, और इस क्लास को भी देखते रहिए, ताकि आप लोग इस क्लास में भी मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा तो ये आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एकदम फिट हो गया माइंड में सब कुछ सर, लास्ट क्लास में बताया था आपने। राइट, वेरी गुड हिमानी, सही बोल रही है मैम आप। चलो बहुत बढ़िया, मतलब लोगों को समझ में भी आ गया है, क्लियर भी हो गया है, कैसे सॉल्व करना है ये भी सीख गए। तो एक सवाल ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिए। देखो ट्रिक मैं मेरी बता देता हूँ, पिछली बार जो ट्रिक मैंने बताई थी वो भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपका तरीका है, लेकिन एक ट्रिक के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूं और आपको तरीका बता देता हूं। तो जितने लोगों को आ गया है वो बहुत अच्छा कर रहे थे, जिनको नहीं आया है वो आज ज़रूर इस क्लास को देखें, वो आपको सीखने को मिल जाएगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम मुझे क्या कर दे, बिल्कुल मिस्टर इंडिया कर दे, ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए। देखो क्वेश्चन है वो है क्या, 5693 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें हम तो हमारे पास में एक क्या है, एक सीरीज है, हमने लास्ट टाइम सीरीज देखी थी। सीरीज क्या है एक बार देख लेते हैं। 1 है 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192, ये एक सीरीज है, और सीरीज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जस्ट डबल होती जा रही है। राइट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैंने कंपेयर किया इस सीरीज से, और देखा कि इसमें सबसे इससे ज़्यादा नंबर और इससे कम वाला नंबर कौन सा है। तो हम जब देख रहे हैं तो 8192 जो है वो इससे बड़ा है और 4096 इससे छोटा है। तो हमने क्या किया, 4096 को ले लिया, जैसे 4096, और अगर इसको मैं माइनस करता हूं, अगर मैं इसको क्या करना है, मुझे माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 13 है मेरे पास में, 13 में से मेरे साथ में 6 जा रहे हैं, तो मेरे पास बचते हैं 7। यहाँ पर एक इस तरफ ले लिया था इसलिए 18 में से 9 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 5, यहाँ पे बचा 1, 159 7 मेरे पास बचा। इसको अगर मैं फिर से कंपेयर करता हूँ तो मेरे सामने आता है 1024, और मैं इसको जब माइनस कर देता हूं तो कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 7, यहाँ पर बच रहा है 5। फिर से मैंने कंपेयर किया, मुझे मिला 512। देखो क्या क्या लिया है मैंने, चीज़ चेक करते रहना, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 4096 लिया मैंने, उसके बाद 1024 लिया, अभी मैं ले रहा हूँ 512, देखते जाते हैं। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा क्या 6। ठीक है, 61 को मैं करूँगा 32 से सॉल्व, 61 माइनस 32, अगर मैं 32 से इसको सॉल्व करने पे आता हूं तो कितना बचता है मेरे पास में, 29 बच रहा है। अब 29 को फिर मैं सॉल्व करने गया 16 से, जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे बचता है मेरे पास में 3 और यहाँ पे बचता है मेरे पास में 1, तो 13 बचा, मतलब मैंने 16 भी यूज कर लिया। 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, मतलब कि मैं 8 ले रहा हूँ, बचता है मेरे पास में 5, इसमें 4 यूज़ किया, बचा 1 1 से 1 किया 0, टोटल सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, अब मुझे 124 ऐसे लिखना है, कैसे 1 2 4 8, 16, 32 इस तरह से लिख लेना है। और आंसर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे जो जो मैंने यूज़ किया है उसको मैं 1 लिख दूंगा, जो जो यूज़ नहीं किया है उसको मैं 0 लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, 1 मैंने यूज़ किया था, बिल्कुल 1 यूज़ किया था। 2 यूज़ किया था क्या, नहीं, तो नहीं का 0 लिख दो। 4 यूज़ किया है, यस। 8 यूज़ किया है, यस। 16 यूज़ किया है, यस। 32 यूज़ किया है, यस। 64 यूज़ किया है क्या, नहीं। 128 नहीं, 256 नहीं, 512 यस, 1024 यस, 2048 नो, 4096 यस। बस यही है आपका आंसर। एक बार फिर से चीज समझना, देखो मैंने किया क्या है, मैंने जब इसको सॉल्व किया सब्सट्रैक्ट करता चला गया, तब आखिरी में मेरे पास में वैल्यूज बची और मैंने क्या किया, कंपेयर कर रहे थे हम लोग। हमने देखा जो चीज यूज की है उसको 1 लिखना है, जो यूज नहीं किया है उसको आपको क्या लिखना है, 0 लिख देना है। बहुत आसान सी चीज है, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जिन जिन लोगों के आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल वो बताते चलिएगा मुझे। अब मेरे पास में आंसर आ गया ये, अब क्या करूं मैं, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा किसमें, ऑक्टल के अंदर। मैंने कल फिर एक मेथड बताई थी और वो मेथड क्या थी, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं ताकि आपको दूसरी मेथड बता सकूं। बाइनरी से ऑक्टल की तरफ अगर मुझे जाना है तो क्या करना होगा, ठीक है, अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल की तरफ जाना है तो क्या करना है। देखो एक बार फिर से लिख लेता हूं, 10110001111101, यह आंसर आया है। और इस आंसर को सॉल्व कैसे करें, तो इस तरफ से राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, राइट साइड से 3-3 के पेयर हमको तैयार करने हैं। 1 बज गया, इसके आगे 2 0 लगा लिए मैंने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखना है 4-2-1 4-2-1 4-2-1 4-2-1 4-2-1। लिखना इसलिए ताकि आपको याद आ जाए, नहीं लिखेंगे तो भी काम तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 1। तो 13075 इज राइट आंसर ऑक्टल में। जितने लोगों का आंसर ये सही आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, चीज क्लियर है। 4 + 1 5 लिख दिया, 4 + 2 + 1 7 लिख दिया, यहाँ पे तीनों 0 थे तो 0 लिख दिया, यहाँ पर 2 + 1 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 था तो 1 लिख दिया, बस खत्म हो गया। ये था ऑक्टल, बहुत आसान। ठीक, अब देखें इसको हेक्साडेसिमल अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से मैं चीजें हटा रहा हूं, इतना इतना मैंने वापस से क्लीन कर लिया। और अब मैं 3 की जगह क्या करूंगा, 4-4 के पेयर बनाऊंगा, जैसे कि ये और ये 1 बज गया तो मैंने एक और 0 लगा लिया। अब अगर मैं देखूं इसका आंसर, देखो ये ऑक्टल मैंने लिख दिया यहाँ पर 13075, ठीक है, ये ऑक्टल है, ये बाइनरी है। अच्छा, अगर मैंने हेक्साडेसिमल निकालना है तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो 8421 8421 8421 8421। अब अगर मैं देखूं तो 8 + 4 12 + 1 13 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब होता है D। यहाँ पर देखें तो 2 + 1 कितना हो रहा है, 3, यहाँ पर 4 + 2 कितना हो रहा है, 6, यहाँ पर कितना हो रहा है तो 1। तो 163D इज योर राइट आंसर और यहाँ पर आंसर कंप्लीट। तो अगर ये प्रोसेस समझ में आ रही होगी, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। करना क्या है, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी अगर आपको बनाना है तो सीधे सीधे उसको कंपेयर करते जाइए और माइनस करते जाइए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। अब उसके अंदर राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बनाते चलिए और 4-2-1 प्रोसेस लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किसमें, ऑक्टल में। अगर आपको हेक्साडेसिमल लेके जाना है तो 4-4 के पेयर बनाइए, 8421 लिखिए और उसको करते जाइए क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, आपको मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है बाइनरी और बाइनरी से आपको निकालना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान और जल्दी से क्विक होगा। देखो वहां पर आपके पास में टाइम बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत टाइम है सर आराम से हम सॉल्व करते रहेंगे कि सर हमारा जो पुराना प्रोसेस है डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 8, वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हैं इतना टाइम लगा के कैलकुलेशन करते रहे हैं। तो आसान तरीके निकालने होंगे, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिया हुआ है बाइनरी और मुझे निकालना क्या है, ऑक्टल। देख लेते हैं यहाँ पर 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 इतना दे रखा है। और इसको ऑक्टल अगर करना है तो मुझे क्या करना है, तीन तीन के पैर बनाए मैंने, लिखा इसको 2, इसको 3 का पैर बनाया लिखा 5, इसको 3 का पैर करके 3, ये कितना है 5, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3। आंसर आ गया, ये आ गया आपका ऑक्टल। खत्म। देखो कितना आसान हो गया है ना। एक और देखते हैं, अगर हेक्साडेसिमल करना है तो क्या करें। देखो एक बार फिर लिख लेता हूं 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। यही था। अब क्या करना है, चार चार के पैर बना लेते हैं, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। आंसर कैसे आएगा, 8 + 2 10 और 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अगर मैं बात करूं 8 + 4 + 4 12 12 + 2 14 जो कि क्या लिखाता है, ई लिखते हैं। 8 + 2 10 तो यहाँ पर फिर से ए आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, तो 8 + यहाँ पर सिर्फ 4 है और यहाँ पर 8 + 4 12 + 1 13 को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने लिखा था डी। तो D 4 A E A इसका आंसर आ गया। ठीक है, चीज क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों डन। कितना बहुत ही जल्दी इसका आंसर हमारे पास में आ जाता है, बहुत क्विक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। वेरी गुड, इजी देन डेसिमल टू बाइनरी, बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, अगला और क्या है हमारे पास में। ये 9 जिन्होंने लिखा है, मनीषा बता लिख रही है 9, ये 9 नहीं ए होता है। 8 + 2 10 और 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, है ना। इजी था सर, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने। देखो चीजों को समझना, अगर आप बाइनरी से ऑक्टल निकाल सकते हो तो ऑक्टल से बाइनरी नहीं निकाल सकते क्या। चीजों को देखो, क्वेश्चन क्या है हमको दिया है इन्होंने 5 4 7 6, किसमें दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ है। याद रखना ऑक्टल में दे रखा है 5 4 7 6। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। करना क्या है, इस 6 के नीचे लिख लो 4 2 1, 7 के नीचे लिख लो 4 2 1, 4 के नीचे लिख लो 4 2 1, 5 के नीचे भी लिख लो 4 2 1। अगर ऑक्टल में दिया है तभी करना, पर यह बात ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन ऑक्टल में दे रखा है तभी ये वाली ट्रिक लगाना, गलती से डेसिमल में मत लगा देना वरना गलत कर लोगे। ठीक है, अगर मेरे पास में ऑक्टल में वैल्यू दे रखी है और इधर मुझे उसे बाइनरी में लेके जाना है तो बहुत आसान तरीका ये है कि इसके नीचे लिख लीजिए 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिख लिया आपने। अब चीज को समझना, अगर 6 बनता है तो किससे बनता है, 4 और 2 से बनता है। तो इन दोनों को 4 और 2 को 1 लिख लो, 1 को लिख दो 0। अगर मैं बात करूं 7 की तो 7 4 + 2 + 1 4 + 2 6 + 1 7, तो तीनों यूज हो रहे हैं तो तीनों के आगे क्या लिख लो 1 1 1 लिख लो। अगर मैं बात करूं 4 की तो सिर्फ 4 को 1 कर दो, बाकी को कर दो 0। अगर मैं 5 की बात करूं तो 4 का 1 कर दो, 2 को 0 कर दो, 1 को कर दो 1। तो ये आ गया आपका बाइनरी। और जैसे ही बाइनरी आ गया आप तो हेक्साडेसिमल निकालना जानते ही हैं कैसे निकालना है। यहाँ से चालू हो जाइए, 4 फिर से 4 और फिर से 4। हमने 4 4 के बना लिए क्या, पेयर्स। अब इसको सॉल्व करना है तो 8 + 4 12 + 2 14 और 14 को अभी हमने लिखा था ई। अगर मैं बात करूं 2 + 1 3, यहाँ पर बात करें 8 + 2 10 + 1 11 और 11 को हम क्या लिख देते हैं बी। तो आंसर आ गया B 3 E, दैट इज इट। खत्म। कितना क्विक इसको सॉल्व किया जा सकता है, कितना आसान है। यहां पर स्वाति मलिक लिख रही है B 3 D, D नहीं आएगा E आएगा क्योंकि 4 + 2 6 होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो यार जरा थंब लगा के बता भी देना कि समझ में आ रहा है सर। ठीक है, कितना आसान है। देखो किया हमने क्या, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, इससे आसान ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल हो ही नहीं सकता। सबसे आसान ट्रिक आज आपको मैंने दे दी है। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे थम्स बता के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है आपका हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से आपको बाइनरी और ऑक्टल में जाना है। देखो अभी हाल मैंने जो चीज़ सिखाया बस उसी को घुमा दो, बस उसी को घुमाना है। सर ये वापस बिल्कुल इस ट्रिक के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। आ गया सर, इजी है सर, हलवा है सर। सर आपने क्या कर दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत आसान हो गया ये तो मामला। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया। इस क्वेश्चन से मुझे बता दो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ और इसी मेथड से करना, बहुत आसान है। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ में करता हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 9FC3, क्वेश्चन दे रखा है 9FC3, और किस में दिया है, किस में मुझे मिला है, मुझे ये 16 में मिला है, मतलब कि हेक्साडेसिमल में है। और अगर हेक्साडेसिमल है, याद रखिएगा, अगर हेक्साडेसिमल में आपके पास में क्वेश्चन आया है तो उसको अगर मुझे बाइनरी में ले जाना है तो बहुत आसान है। क्या करना है, 8421 लिख लेना है, 8421 लिख लेना है, 8421 लिखना है, 8421 लिखना है। ये तो लिख लिया, अब आगे क्या, आगे करना बहुत आसान सा काम है। 3 को किस किस वैल्यू से बना सकते हैं हम, 2 और 1 से, तो इन दोनों को 1 कर दो, बाकी को कर दो 0। सी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 12 और 12 को हम बनाते हैं 8 और 4 से, तो बाकी दोनों में लगा दो 0। अगर मैं बात करूं एफ की तो ये तो 8 4 2 1 चारों से मिलके बनता है, मतलब कि 1 1 1 1। और अगर मैं बात करूं 9 की तो ये 8 और 1 से मिलके बनता है, तो बीच के दोनों में लगा देंगे हम 2 0। तो मतलब हो गया टोटल कंप्लीट, हमारे पास में बाइनरी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो चीज़ों को समझना, सी का क्या करें, तो सी को हम देखना पड़ेगा, 12 को लिखते हैं हम सी, एफ को हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं 15 को एफ। तो हमेशा याद रखना उन वैल्यूज़ को ध्यान देते रहना, ठीक है। अब आ गया हमारे पास बाइनरी। अब क्या करना है, बहुत आसान है, ऑक्टल करना है। इसको लिख देंगे हम 3, इसको लिख देंगे हम 0, इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 1, और इसको भी लिखेंगे 1। तो आंसर आ गया 1 1 7 7 0 3। और ये कितना आसान काम हो गया ऑक्टल में लाने के लिए। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, आज तक का सबसे दुनिया का कठिन क्वेश्चन अगर हम मानते थे तो इन्हीं को मानते थे। क्यों, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करने में हमको पसीने छूट जाते थे भाई, बहुत मेहनत लगनी पड़ती थी और बहुत सारे क्या टेबल्स याद करनी पड़ती थी 8 की और 16 की। लेकिन अब तो ये आसान है। सी को 12 क्यों लिखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एक बात बताओ, 10 को लिखते हैं हम ए, 11 को लिखते हैं हम बी, 12 को लिखते हैं हम सी, 13 को लिखते हैं हम डी, 14 को लिखते हैं हम E, और 15 को लिखते हैं F। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही सिखा चुका हूँ। यहाँ सर पिछली क्लास अटेंड नहीं की, जिन्होंने नहीं की उनको दिक्कत आनी है। खैर ये बहुत आसान सी ट्रिक थी और बहुत आसान तरीका था। छा गए गुरु, मंजू तिवारी ऐसा बोल रही हैं। चलिए अगर वाकई सबको समझ में आ गया है तब तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आगे अब हम क्या करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे हमारे बेसिक्स पे। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व आप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कौन करेंगे, आप करेंगे, और मुझे फटाफट से आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल करना है अगर, देखो वो भी तरीका मैं बता देता हूँ, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये मैंने हटाया इसको। सपोज कीजिए यही जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है मैंने, या हेक्साडेसिमल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो पहले ऑक्टल पे ही बात कर लेता हूँ। ये देखो ये ऑक्टल है ना, ये ऑक्टल वैल्यू दे रखी है मेरे पास में। क्या है ऑक्टल वैल्यू, जरा देख लो, 547376 है, 5476। इसको मुझे पहले बाइनरी में लाना है। बाइनरी में लाने का बहुत आसान तरीका है। बाइनरी में कैसे लेके आते हैं इसको, बाइनरी में इसको लेके आना है तो ये 4 2 1, यहाँ पे 4 2 1, यहाँ पे 4 2 1, यहाँ पे 4 2 1, ये मेरे पास में बाइनरी था। बाइनरी के बाद इसको अगर मुझे लेके जाना है किसमें, अगर मुझे डेसिमल में लाना है तो बहुत आसान, सीरीज लिख लो, सीरीज याद कर लो, 1 2 4 8 16 32 64, 128, 256, 512, 1024, 2048। ऐसी आपने सीरीज लिख ली। अब देखो ये 1 वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 64 कैंसिल हो गया, ये 128 कैंसिल हो गया, 1024 कैंसिल हो गया। तो करना क्या है, 2048 प्लस करना है इसके अंदर क्या 512 प्लस इसके अंदर कर दो 256 प्लस इसके अंदर कर दो 32 इसमें कर दो 16 को ऐड, इसमें 8 को भी 4 को भी और 2 को भी। बस इनको जैसे ही आपने ऐड किया आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, ये रहा आपका डेसिमल वैल्यू। चीज़ों को समझना, फिर से देखना, एक बार फिर समझने की कोशिश करना, करना क्या है इसके अंदर। हमने ऑक्टल दे रखा है या हेक्साडेसिमल दे रखा है, उसको बाइनरी में लेके आ जाना है। और हमने जो सीरीज याद की थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, बस उसी को लिखते चले जाओ राइट टू लेफ्ट। और जो जो जीरो लिखे हुए हैं जिसके ऊपर, उसको कैंसिल कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आई। डेसिमल कैसे लाना है, ऑक्टल से बाइनरी में लेके आ जाओ। जैसे ही ऑक्टल से बाइनरी आ जाए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दो सारे नंबर जो सीरीज आपने लिखी ने याद की थी। और सीरीज जैसे ही आपने लिखा, उसके बाद जितने जीरो वाले नंबर थे उनको हटा दो, बाकी जितने वन वाले नंबर थे सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में डेसिमल के अंदर। और इसी के साथ बहुत बढ़िया आंसर सब लोग दे रहे हैं कि सर यहाँ एक बड़ी गलती ये हो गई है कि यार सर ऑक्टल वैल्यू थी और ऑक्टल के अंदर 8 लिखा हुआ है, और 8 जो है ऑक्टल में कभी होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये रही सबसे सही बात। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम लोग अक्सर उलझ जाते हैं इस तरह के सवाल में। इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं हम लोग उलझ जाते हैं, अरे सर यहाँ तो 8 है 9 है, जैसे ही फंसा हम लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया, है ना। अब जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, बस आप लूप में भी फंस गए, आंसर भी गलत हो गया, क्वेश्चन भी गलत कर लिया, और नंबर भी नहीं मिला और कम भी हो गया। तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, हमको करना बस इतना सा है कि जैसे ही ऑक्टल लिखा हुआ दिख जाए, हमको सबसे पहले चेक करना है 8 या 9 तो नहीं दे रखा। अगर 8 या 9 दे दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। जितने लोगों ने कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा, वेरी गुड। जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया और नंबर्स आ गए, भाई गड़बड़ हो गई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ी सी और मेहनत करना है, थोड़े से सवाल और उठाने, थोड़े से क्वेश्चन और उठाने अपने आसपास से। बहुत आसान तरीका है, अपने घर में जितनी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उनके नंबर उठाओ और उनको बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कम पड़ जाए तो पास पड़ोस की गाड़ियां, और भी कम पड़े तो पार्किंग देखो एक बढ़िया सी, उसके अंदर गाड़ियां होंगी। नंबर्स कन्वर्ट करते हो, एक दिन का काम है, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे नंबर कैसे चेंज करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यार ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, उसको वॉइस वर्सा, सब कुछ तरीके मैंने बता दिए हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पीछे जाओ, फिर से चेक करो, समझ में आ जाएंगी। हर एक ट्रिक आपके लिए है और आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ कुछ लोग गलत लिख भी रहे हैं, 82004778, क्या चल रहा है देख लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर कूच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो यहाँ पे सभी लोग खुश भी हो गए और मुस्कुरा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हाँ, तो तरीका तो यही है, याद करना है तो कैसे करेंगे, बस जाएंगे और उस पर मेहनत करेंगे, ट्रिक्स तभी याद होती हैं, है ना। चलो देखते हैं आज हम बात किस पे करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। अक्सर ये पूछा जाता है कंप्यूटर, हम लोग सब लोग आपस में बात करते हैं कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम लोग हर बार जब भी हमने डेफिनेशन पे बात की, कंप्यूटर की डेफिनेशन होती स्टार्ट यहाँ से, क्या कि सर व्हाट इज कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये चीज़ समझें कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्या है। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग दो तरह का करंट यूज़ करते हैं, एक होता है एसी और एक होता है आपका डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। देखो इन चीज़ों को याद करते रहो, इनको अपने दिमाग में फुल फॉर्म आपको याद होंगे, बहुत बड़ी चीज़ है एब्रीविएशन। ठीक है, अच्छा चीज़ें समझते हैं। तो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, अब हम लोग जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो कौन सा करंट होता है। अच्छा ये बताओ, ये जो पोल होते हैं इलेक्ट्रिक पोल, आपके घर के सामने जो इलेक्ट्रिक पोल है, जहाँ से आपके घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो वहां पर कौन सा करंट होता है, वहां पर एसी होता है या डीसी होता है। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट आता है या डीसी करंट आता है, जरा फटाफट से लिख के बता दो। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर का। एसी एंड डीसी मंजू तिवारी बता रही हैं, अरुण गुप्ता बता रहे हैं सर एसी आ रहा है, साई सूर्य बता रहे हैं कि सर डीसी आता है। तो यहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं एसी या डीसी, चीजों को समझना। अगर आपके घर में जो करंट आता है वो कौन सा है, वो एसी है, अल्टरनेट करंट है। कैसे पता करें अल्टरनेट करंट को? अगर मैं पाथ देखूं तो कैसा होता है, जितने भी टेक्निकल बंदे यहां पर बैठे हुए हैं वो ये जानते हैं कि इसका जो पाथ होता है साइनोसोडल पाथ होता है। करंट जो है वो कभी अप तो कभी डाउन होता है, कभी उस पॉजिटिव में जाता है तो कभी नेगेटिव में जाता है। कितने लोगों को यहाँ पर देखो, मेरे साथ में 305 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताओ कितने लोगों ने आज तक करंट का झटका खाया है। अगर किसी को करंट का झटका लगा है तो उसको पता है कि इसी टाइप का कुछ डिजाइन मतलब दिमाग में भी बनती है, अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है ना, कर 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 इसी तरह का कुछ महसूस होता है जब हमको करंट लगता है। तो भाई आपको पता है कि आपको कौन सा करंट लगता है, एसी लगता है। डीसी करंट कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका जो मोबाइल का चार्जर है उसमें से जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, तो वो डायरेक्ट करंट है। वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर काम करता है आपके, देखो एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है और डीसी से कंप्यूटर चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट पे काम करता है। और जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जो एसी पर काम करते हैं अल्टरनेट करंट पे वो सब इलेक्ट्रिक डिवाइस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस, आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो भी चीज एसी पे चल रही है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो डीसी पे चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है, डीसी पे, डायरेक्ट करंट पे। क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं किस करंट पे कंप्यूटर आपका काम करता है। तो भाई हमारे पास में घर में तो आया एसी का करंट है ना, और हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है डीसी पे। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन कौन करता है, हमको याद है कौन करता है, एसएमपीएस। फुल फॉर्म क्या है जरा फटाफट से बताओ, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमपीएस करता है आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट। तो जरा फुल फॉर्म बता दें एसएमपीएस का। ठीक है, एसी नहीं, यूपीएस नहीं कर रहा है, यूपीएस नहीं कर रहा है, एसएमपीएस कर रहा है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो तब तक जब तक आप एसएमपीएस का फुल फॉर्म मुझे बता रहे हैं तब तक आगे की बातें करने लग जाते हैं। बात अगर हम करें तो कंप्यूटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और साथ में एक बड़ा काम करता है, वो है स्टोरेज का, स्टोर करके रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आईपीओएस कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, आईपीओएस, आईपीओएस इसको कहते हैं। बिल्कुल सही, स्विच मोड पावर सप्लाई, जितने लोगों ने लिखा बिल्कुल सही लिखा, स्विच मोड पावर सप्लाई इसको हम कहते हैं। तो यह स्विच करता है मोड को, किसके, पावर सप्लाई को, एसी से डीसी में कन्वर्ट करके पहुंचाता है बाकी के सारे हिस्सों में। चलिए आगे बात करते हैं आईपीओएस की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस आपके पास में है, कीबोर्ड, राइट, माउस, अपने पास में लिस्ट जरूर बनाइएगा, अपने दिमाग में लिस्ट बनाइएगा। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर हम लोग यूज करते हैं, OMR, MICR, OCR, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, टच पैड या टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक। ऐसे कुछ मैंने इनपुट डिवाइसेस आपके सामने लिख के दिए हैं, एक पूरी लिस्ट बना दी है ताकि आप लोग ध्यान रखें कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस आप लोग यूज़ करते हैं या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देख लेते हैं इनके बारे में। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम से कि मुझे फिर से एक बार फिर मिस्टर इंडिया बना दें ताकि दिक्कत ना आए। ये रही है, ये रहा भैया आपका कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड को बनाया किसने था, तो ये रहा उनका नाम, क्रिस्टोफर लथम शोल्स। ये जो हैं इन्होंने बनाया था कीबोर्ड। अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि इस कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था, तो ये रहा उनका नाम, क्रिस्टोफर। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, बस इतना सा याद रखना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, क्रिस्टोफर शॉल्म्स, याद रखेगा, क्रिस्टोफर शॉल्म्स, इतनी सी बात है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कीबोर्ड से, अगर मैं कनेक्ट करूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पूछ लेते हैं इसमें कौन कौन सी कीज हैं। तो यहां पर फंक्शन कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं और सिंबल्स होते हैं, साथ में स्पेशल कीज होती हैं। जितनी कीज आप यहां देखते हैं, चाहे वो इस तरफ वाली कीज हो ये वाली कीज़ हों या ये वाली कीज़ हों, ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। याद रखिएगा अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड होते हैं। दूसरी चीज़ होती है नंबर्स, जो कि ये यहाँ रहे नंबर्स हैं या यहाँ हम न्यूम पैड पे हैं नंबर्स होते हैं। तीसरी चीज़ होती हैं स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं, स्टार हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ये सारे स्पेशल सिम्बॉल में आ जाते हैं। साथ में होते हैं स्पेशल कीज़। कौन कौन सी होती हैं अगर हम बात करें तो शुरू से बात कर लेते हैं। चलो फटाफट से कीबोर्ड कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर इधर देखें तो एस्केप की होती है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो टैब है, टैब के बाद कैप्स लॉक, कैप्स लॉक के बाद शिफ्ट, शिफ्ट के बाद कंट्रोल। इस की को क्या कहते हैं, ये विंडो की है, विंडो की कहते हैं इसको। इसके बाद अल्टर है, अल्टर के बाद स्पेस, स्पेस अल्टर, फिर से विंडो की आ गई आपकी। यहाँ पर एक की है जो कि क्या कहलाती है, ऑप्शन की कहलाती है। ऑप्शन की क्या काम आती है, ऑप्शंस के लिए यूज़ में आती है, राइट क्लिक के लिए यूज़ में आती है, माउस बटन भी इसको कहते हैं। अच्छा यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर बैक स्पेस। अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिंट स्क्रीन है, आप प्रिंट स्क्रीन लेने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंट स्क्रीन के पास में स्क्रॉल लॉक है और यहाँ पर पॉज ब्रेक करके एक की होती है। अगर मैं बात करूँ तो इंसर्ट के साथ, डिलीट, होम के साथ एंड, पेज अप के साथ पेज डाउन, ये सारी कीज़ जो हैं वो किस में आ जाती हैं, स्पेशल कीज़ में आती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, स्पेशल कीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कीबोर्ड में भी। मैं सिर्फ कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा, कीबोर्ड में पहला क्वेश्चन किसने बनाया, दूसरा क्वेश्चन किस तरह का, किस किस तरह के कीज़ होती हैं, तीसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि कौन सी की क्या कहलाती है या स्पेशल कीज़ में कौन सी है कौन सी नहीं है। इसमें अल्टरेशन की कहलाती है कौन सी, तो जो कीज़ आप शिफ्ट के साथ, शिफ्ट यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूज़ करते हैं, ये क्या है, अल्टरेशन कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। अगला देखें तो माउस, जैसे ही हम माउस की बात करते हैं तो माउस के अंदर किसने बनाया, इन्वेंट किसने किया, तो नाम आता है डगलस एंगलबर्ट। याद रखिएगा ये नाम याद रखिएगा, डगलस एंगलबर्ट, इन्होंने बनाया था माउस को। हम लोग पहले टाइप पे काम कर रहे थे, अब हम किस पे काम करने लग गए, हम काम करने लगे पॉइंटिंग एरिया पे। अगर जैसे ही हम लोग इस पे आते हैं तो हमारे पास कितने तरह के माउस हैं, तो पहला माउस है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, तीसरा है ऑप्टिकल माउस। आपने देखा होगा पुराने, अगर माउस की मैं बात करूं, पुराने माउस की बात करें जिसके अंदर एक बॉल हुआ करती थी, वो था मैकेनिकल माउस। लेकिन उसके अंदर होता क्या था, एक बॉल लगी हुई थी, बॉल के साथ में लगा हुआ था क्या, दो रोल लगे हुए थे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये दोनों रोलर जो है बॉल के मूव करने पे चलते थे और इसी माउस को क्या कहते थे, मैकेनिकल माउस कहते थे। लेकिन मैकेनिकल माउस में दिक्कत क्या होती थी, ये थोड़े दिनों बाद ये बॉल या तो घिस जाती थी या फिर क्या होता था, ये रोल्स जो हैं वो घिस जाते थे और अल्टीमेटली काम करना माउस बंद कर देता था। तब फिर हमारे सामने आया ऑप्टो मैकेनिकल माउस। इसमें क्या हुआ, माउस का बॉल को तो एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन इन दोनों रोलर्स को हटा दिए और लगा दिए दो सेंसर जो कि थोड़ी सी दूरी पे थे, और सेंसर जब दूर थे तो वो देख लेते थे कि ये बॉल किधर मूव कर रहा है। बॉल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया उन्होंने, रफ कर दिया, बॉल को बना दिया रफ, और जैसे ही बॉल मूव करेगी तो ये दोनों सेंसर दूर से इसको चेक कर लेंगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ घूम रहा है ये पॉइंटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही ये प्रॉब्लम हमने देखी तो यहाँ पर बॉल के अंदर जो हमने रफ किया था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, क्लीन होने लगा, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो फिर क्या हुआ, हम तीसरी चीज़ ले आए, वो क्या है, ऑप्टिकल माउस। काम कैसे करता है, एक एलईडी लगी हुई है और एलईडी से जो लाइट बाहर आती है वही लाइट रिफ्लेक्शन करके वापस जाती है और यहाँ सेंसर जो है इसको क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल माउस, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चीज़ क्लियर है। कीबोर्ड और माउस के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, तो याद रखिएगा अभी फ़िलहाल PS2 होता है, PS2। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने देखा है, मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम मुझे वापस से अपीयर कर दें, मुझे फिर दिखने योग्य कर दें। चलिए देखें, अब बात ये कर रहे थे, तीसरी चीज़ आती है आपकी स्कैनर। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा हार्ड कॉपी है उसको क्या करना है, हमको स्कैन करके पहुँचाना है, तो यूज़ हो रहा है स्कैनर। चलिए अगला देखते हैं, OMR। इसके बारे में हमेशा आप क्वेश्चन बनता है, ये एब्रीवेशन में पूछा जाता है। OMR का फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, रीडर या रिकॉग्निशन। यहाँ पे हम लोग अक्सर गलती करते हैं, ये क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। रीडर क्यों है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रीडर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, हम लोग जब भी बात करते हैं 0101 की, हाँ या ना की, यस और नो की, तो यहाँ पर हम जस्ट रीड करते हैं, ना कि रिकॉग्नाइज करते हैं। हम किसी चीज़ को पहचानते नहीं है, सिर्फ रीड करते हैं, जीरो है या वन है। तो यहाँ पर आपने देखा है, पहले हम लोग ऑफलाइन एग्जाम्स देते थे, इसके अंदर क्या करते थे, इसके अंदर हम सिर्फ टिक मार्क करते थे, गोले भर देते थे, फिल कर देते थे, इसी को हम यूज़ करते थे। और ये ही OMR शीट स्कैनर जब था, ये हमको बताता था हमारा रिजल्ट क्या है। तो ये OMR शीट में क्या हो रहा है, ऑप्टिकल मार्क को रीड किया जा रहा है, कौन सा बबल फिल है कौन सा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है MICR, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉग्निशन, जबकि इससे पहले क्या लिखा हुआ था, रीडर। OMR और MICR OCR में आप लोग गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं, रीडर या रिकॉग्निशन वाली, और यहीं पे आपको आपका जो एग्जामिनर है वो फंसाता है। तो इस पे ध्यान दीजिए, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या लिखा है, रिकॉग्निशन। इसके अगला देखें तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या, रीडर या रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही, रिकॉग्निशन आएगा। रीडर और रिकॉग्निशन, इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे M लिखा हुआ आ रहा है, M के बाद R लिखा है तो मतलब रीडर, अगर C के बाद R लिखा हुआ है मतलब रिकॉग्निशन। यहां तक चीज क्लियर है। M के बाद अगर R है तो रीडर, C के बाद R लगा हुआ है तो रिकॉग्निशन। बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको समझनी है, याद रखें। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगले पे बात करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे हम लोगों ने यह चीज़ समझी। होता क्या है, आपका जो पेज है उसको स्कैन करते हैं, स्कैन के द्वारा, और उसके बाद में एडिट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के जरिए। मतलब होता क्या है, OCR कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, उसको कॉपी करता है और आपको क्या दे देता है, एक सिंपल। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, डिजिटल कैमरा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो CCTV कैमरा हो चाहे ये वाला कैमरा हो, जिसके अंदर आपकी इमेज कैसी बनती है, सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, डिजिटल कैमरा। ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। चलिए अगले पे बात करते हैं, लाइट पेन। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं एक पेन यूज़ कर रहा हूँ और ये सरफेस पर चल रहा है, मतलब क्या है, ये लाइट पेन है। इससे हम डायरेक्टली डिजिटल लिख सकते हैं, अंदर सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास सेव कर सकते हैं। ये हो गया आपका लाइट पेन। चलिए आगे बात करते हैं टच स्क्रीन। आपने देखा ही है, हम लोग कई चीज़ों पर टच स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं। आप सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, अब ये क्या है, टच स्क्रीन है। ये भी इनपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट आपके जो फ़ोन है उसके आसपास की एक स्ट्रिप लगी हुई है जो कि क्या इनपुट का काम कर रही है। ठीक है, दो चीज़ों से बना हुआ है। देखो, एक डिस्प्ले है जिसपे आप देखते हैं, आउटपुट आ रहा है वहाँ पे, और एक टच स्क्रीन है जहाँ पे आप टच करते हैं और अंदर सेंस जाता है, तो वो आपका इनपुट है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, माइक्रोफोन। जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग वॉइस अपनी, तो हम किससे करते हैं, माइक्रोफोन से करते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए स्मार्ट कार्ड। ये तो आप लोगों के सबके जेब में है ना, सबकी पॉकेट में है। कौन सा होता है स्मार्ट कार्ड, जिस कार्ड के अंदर चिप लगी हो वो स्मार्ट कार्ड है, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हो वो क्या है, स्मार्ट कार्ड है। अब ये बताइए आपके अभी आपके वॉलेट में कौन कौन से स्मार्ट कार्ड होते हैं। क्या आपका पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड है, क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड है, क्या आपका आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड है या नहीं है, ये जरा फटाफट से बताइए। अगर मैं बात करता हूँ पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड कभी भी स्मार्ट कार्ड नहीं होता। उसके ऊपर सिर्फ नंबर होते हैं, ना कोई स्ट्रिप होती है, ना कोई उसके अंदर चिप लगी होती है, इसका मतलब वो स्मार्ट कार्ड नहीं है। आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं, तो अब जाके आधार कार्ड पे कुछ चिप आनी है, लेकिन अभी भी सभी के पास स्मार्ट आधार कार्ड नहीं है। तो हमारे स्मार्ट आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड अब होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका स्मार्ट कार्ड है, आपका जो RC बुक है वो भी स्मार्ट कार्ड है। अगर मैं बात करूं, आपका वोटर आईडी वो स्मार्ट कार्ड नहीं है। आपका जितने बोल सकते हैं ATM कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सभी क्या हैं, स्मार्ट कार्ड है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, वेरी गुड। तो जितने स्मार्ट कार्ड हैं उनको अलग, जो स्मार्ट कार्ड नहीं है उनको अलग अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस स्मार्ट कार्ड नहीं आता है, या इनमें से कौन सा कार्ड स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक्स की। जी हाँ, बहुत ज़रूरी और बहुत ही काम का, आज की दुनिया में सबसे काम की चीज़ हो गई है एक इनपुट डिवाइस, जिसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स। काम क्या आता है, काम ये आता है कि हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक बार की बात है, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था, मैंने पूछा ये बताओ बायोमेट्रिक्स यूज़ क्यों करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो भी स्कूल कंप्लीट किए थे, कॉलेज के अंदर थे या कॉलेज कंप्लीट करने वाले थे। उनका एक ही कहना, सर अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं। मैंने बोला दोस्त, ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए यूज़ नहीं आता, ये बायोमेट्रिक है या ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ में आता है। जितनी जगह वो चाहे हमारे बहुत अच्छे अच्छे जितने भी नेता हैं, ईमानदार नेता जिनका स्विस बैंक में अकाउंट है, वो सारे लोग इसी के बदौलत अपना वहाँ पे ईमानदारी का पैसा रखते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे बात। तो कुल मिला के जितना ऑथेंटिकेशन होता है, जितनी यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को के ऊपर काम होता है, वो बायोमेट्रिक में होता है। देखें किस किस तरह के बायोमेट्रिक आपके पास में हैं या मार्केट में बायोमेट्रिक डिवाइसेस अवेलेबल हैं। फेस रिकॉग्निशन होता है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसके थ्रू आगे काम होता है। अच्छा, और क्या होता है? तो अगर हम देखें तो फिंगरप्रिंट्स के जरिए, बिल्कुल सही, फिंगरप्रिंट्स भी है। और क्या चीज़ें हैं? तो आइरिस, आपकी जो आंखें हैं उसका रेटिना यूज़ किया जाता है, और ये इसके थ्रू भी। चलिए, यहाँ पर लोगों को मज़ा भी आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बायोमेट्रिक्स। अच्छा, इसके अलावा आपकी हैंड ज्योमेट्री, जिसको हम पाम कहते हैं, पाम प्रिंट हैंड ज्योमेट्री, ये भी बायोमेट्रिक में आ गए हैं। डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर से आप करते हैं। और आप लोगों ने तो मूवीज़ देखते ही रहते हैं, खैर चाहे वो क्रिश हो, चाहे वो कौन सी रजनी सर की मूवी आई थी, रोबोट, है ना, आई थी ना, उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, शिवाजी द बॉस, उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, उनका जो लैपटॉप था उसके अंदर उन्होंने अपना एक पासवर्ड डाल रखा था। किसका था? उनके वॉइस में था। तो ये वॉइस जो है वो भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपके जेस्चर पोस्चर पे भी काम किया जाता है, उससे भी आपको चेक किया जाता है। तो ये सारे कौन से थे बायोमेट्रिक के अलग अलग टाइप के आपके पास बायोमेट्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो जब भी आपको अटेंडेंस लगाना हो तो बिल्कुल इससे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ देखते हैं। हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की। हमने आज बात की इनपुट डिवाइसेस की, अभी हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो कितने तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में मॉनिटर है, और मॉनिटर में भी कितने तरह के, तो 3 तरह के हमारे सामने मॉनिटर आते हैं। कौन कौन से बात कर रहे हैं? CRT, TFT, LCD और LED। देखो चीज़ों को समझना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर की चीज़ें भी देख रहे हैं। जैसे कि CRT, तो CRT का फुल फॉर्म क्या है? जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं फटाफट से बताओ कि CRT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके अलावा TFT, LED हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्पीकर भी अपने आप में एक बड़ा आउटपुट डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं। फिर बात आती है प्रिंटर की। तो प्रिंटर के अंदर हमारे पास में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 तरह के प्रिंटर आते हैं। इम्पैक्ट जिसके अंदर पेज पर इम्पैक्ट करता हो एक है, नॉन इम्पैक्ट जिसके अंदर पेज पर इम्पैक्ट नहीं होता है। चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। चलिए, पृथ्वी कुमार बता रहे हैं कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल सही। क्या है? CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये वही प्रिंटर है, ये वही मॉनिटर है जो एक व्यक्ति उठा नहीं पाता था, आज भी, है ना, देखा होगा आपने वो बल्कि सा मॉनिटर जिसको हम उठा ही नहीं पाते थे, ठीक है। या फिर घर में देखा होगा वो ब्लैक एंड वाइट वाली, वो शटर वाली टीवी, वो सभी क्या थे? CRT थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर थे, ठीक। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो बढ़ के आते हैं हम LCD या TFT पे। देखो यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है, सर LCD क्या है, सर TFT क्या है। कुछ लोग तो मुझे 4 बता देते हैं, सर सबसे पहले CRT आया था, फिर TFT आया था, फिर LCD आया, फिर LED आया। नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। LCD आया था, इसका फुल फॉर्म क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बिल्कुल सही जितने लोग लिख रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब TFT क्या है? तो इसको अगर फुल फॉर्म लिखें तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब चीज़ क्या है? तो ये डिफरेंस क्या है TFT और LCD में? तो TFT इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस LCDs। TFT एक टेक्नोलॉजी है, ट्रांजिस्टर बनाते हैं TFT, इससे ट्रांजिस्टर बनते हैं और उसी से क्या बन रहा है आपका LCD। तो ये TFT इज अ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द LCDs। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ क्लियर है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पे बात करते हैं। अगली बात आ जाती है, ये देखिए आपके सामने आ गई आपकी LCD या TFT, ठीक है। आपके पास में LCD है या LED है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि LCD और LED में डिफरेंस कैसे पता करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, LCD को सामने से देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगी। LCD या TFT का साइड में चलते चले जाओ, मूव करते जाओ आपका चेहरा और एंगल बदलते जाओ, क्या होता जाएगा? डार्क होता जाएगा, नेगेटिव दिखने लग जाएगा। ये क्या है? LCD है, TFT है। अगर जैसे ही हम LED पे आते हैं तो वहाँ तो आप किसी भी एंगल से देखो LED आपको क्लियर दिखती है। ये रही आपके सामने LEDs। लाइट एमिटिंग डायोड बोला क्या जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। आप तो जानते ही हैं LED का फुल फॉर्म। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने बात की LEDs की, लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करें हम प्रिंटर की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखता हूं मैं तो प्रिंटर साइड पूछे जाते हैं, क्यों, रीजन है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में अगर कोई क्वेश्चन आया तो सीधे प्रिंटर साइड जाते ही जाता है। क्यों जाता है, रीजन है। प्रिंटर में आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बार आराम से देख लें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की। सबसे पहले जो प्रिंटर्स आए वो इम्पैक्ट करने वाले प्रिंटर्स थे। कौन कौन से हैं नाम देख लेते हैं। डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर। ये चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर दरअसल डॉट मैट्रिक्स के ही रिलेटिव हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में नाम लिख लेते हैं कौन कौन से इम्पैक्ट में। डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, याद रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डेजी व्हील था क्या। अगर मैं बात करूं डेजी व्हील की तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक व्हील, और जब इसके अंदर प्रिंट किया जाता था तो ये व्हील घूमता था और जाके प्रिंट करता था, फिर व्हील घूमता था प्रिंट करता था, फिर व्हील घूमता था फिर प्रिंट करता था। मतलब अगर मुझे लिखना है RAM, सपोज करो यहां लिखा है R, यहां लिखा है A, यहां लिखा है M, तो पहले वो घूमेगा, R लगाएगा, फिर प्रेस करेगा, फिर घूमेगा, फिर A प्रेस करेगा, फिर घूमेगा, फिर M प्रेस करेगा। मतलब टाइम ज्यादा लेगा, टाइम टेकिंग है, ठीक है। कौन सा नाम, डेजी व्हील प्रिंटर। तो फिर आगे चेंजेस क्या हुए ये देखिए। आपको मैंने थोड़ा सा जूम करके बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे P लिखा है, Q लिखा है, ठीक है। तो ये सारे नंबर लिखे, सारे डिजिट्स लिखे। मैं कितने बारीक चीज़ें देखने के लिए थोड़ा सा जूम कर दिया था यार, ताकि आपको समझ में आ जाए काम कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लाइन प्रिंटर की। कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का काम होता है एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर देना। चीज समझे, एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर देता है, एक साथ पूरी लाइन प्रिंट करता है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन प्रिंटर। चीज़ों को क्लियर समझते चलना, लाइन प्रिंटर, क्योंकि लाइन पूरी प्रिंट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स का काम क्या है, जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये डॉट्स लगाता है और डॉट्स के कारण कलर आपको लिखावट आती है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे से डॉट्स देख रहे होंगे। ये डॉट्स बनते 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 क्या बन जाता है, पूरा लेटर बन जाता है। अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए मुझे A लिखना है। क्या अभी आपको चीज समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? नहीं, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 डॉट्स बढ़ा दूं तो आपको दिखने लग जाएगा, हाँ ये A जैसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं और ज़्यादा डॉट्स लगा दूँ यहाँ पर तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैं A लिख रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा डॉट्स बढ़ते जाएंगे उतना क्लियर होता जाएगा कि लिखा क्या है। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स का मैकेनिज्म, ठीक है। जितने ज़्यादा डॉट्स लगेंगे, तो इसी से हम लोग पता भी करते थे आपके प्रिंटर की क्वालिटी क्या है। हम कैसे पता करते हैं, हम बताते हैं डॉट्स पर इंच से। DPI फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डॉट्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच। दूसरा एक और तरीका है PPM पेजेस पर मिनट। हम प्रिंटर की क्वालिटी चेक करने के लिए 2 यूज करते हैं, DPI डॉट्स पर इंच, PPM पेजेस पर मिनट, कितने छपते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इन चीज़ों को याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म एब्रीविएशन मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं? ड्रम प्रिंटर जिसके अंदर एक ड्रम लगा होता है और इसके अंदर इंक फिल रहती है, जो कि आप यूज़ करते हैं। चेन प्रिंटर के अंदर एक चेन लगा होगा जिसके अंदर नंबर्स लिखे, अब लेटर्स लिखे होते हैं, वही घूमता है और जाके टिक मारता है। ये था आपका चेन प्रिंटर। चलिए अगर मैं बात करूं प्रिंटर में लेजर और इंकजेट, थर्मल, तो नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से, लेजर, इंकजेट और थर्मल, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले लेजर प्रिंटर की बात कर रहे हैं। लेजर लाइट के जरिए उसके ऊपर फोकस किया जाता है और व्हाइट टू ब्लैक कन्वर्ट होता है, मतलब कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है लेजर प्रिंटर। ये नॉन इंपैक्ट है, दूर से काम करता है क्योंकि लेजर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंकजेट की, तो इट जेट्स द इंक ऑन योर पेपर, दैट्स वाई इंकजेट। देखो बहुत आसान है, याद करने का तरीका क्या है, इट जेट्स द इंक ऑन योर पेपर, दैट इज वाई इंकजेट। जेट करता है, स्प्रे करता है इंक को, और ये कलर जो प्रिंट आउट आते हैं वो आपके किससे बन रहे हैं, इंकजेट से बन रहे हैं। याद रखने वाली चीज़ है। अगर लास्ट में बात करें थर्मल प्रिंटर की, तो बहुत आसान चीज़ है। थर्मल प्रिंटर जो है वो टेम्परेचर पे काम करता है। एक बोल सकते हैं ड्रम होता है जो कि क्या कर दिया जाता है, कैपेसिटर होता है उसको गर्म किया जाता है और जहाँ जहाँ पे उनको लिखवाना होता है उस चीज़ को क्या कर देते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं। चीज़ें समझ में आई, ये थर्मल प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन कर देते हैं हम कंप्लीट। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर की बात होगी, उसके अंदर कितने हमारे पोर्ट्स कितने हैं, कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, केबल्स कौन कौन सी हैं, इनके फुल फॉर्म देखे जाएंगे, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे अगली बार में। CPU हैज़ टू पार्ट्स ALU एंड CU, सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट मार लिया। मैंने इस बार में आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बता दी हैं, उन पे काम करिएगा। जितने एब्रीविएशन मैंने अभी तक बताए हैं उनको नोट कर लीजिएगा और उनके फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। याद करने का ये काम आपको मैं दे रहा हूँ, होमवर्क है। अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए इस क्लास को देते हैं विराम। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जिन लोगों का प्री में क्वालिफाई कर गए लोग, उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगली बार फिर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं विराम। होती है मुलाकात, जय हिंद।